हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कलौंजी। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक जायका किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एक टेस्टी और परफेक्ट आलू की कलौंजी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे बनाना। हमने आलू को छील के देखिए वॉश कर लिया है। आप कलौंजी बनाने के लिए गोल आलू लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए कुछ इस तरह का, तो इसकी फिलिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे, आधा आधा इसे कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। फिर हम एक स्पून की मदद से इसके जो बीच में का ये जो आलू का पूरा पोर्शन इसे निकाल लेंगे। आप स्पून का ही इस्तेमाल कीजिए निकालने के लिए, अगर आप चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो वो कट जाएगा और अच्छे से निकल नहीं पाएगा। स्पून से बहुत अच्छे से निकल जाता है, देखिए इस तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से एक कटोरी की शक्ल में हमने इसे बना के तैयार कर लिया। देखिए अब ये जो दूसरी साइड का है इसे भी हम यूं ही निकाल लेंगे और कटोरी बना देंगे। देखिए ये इस तरह से हमने आलू के दोनों तरफ को निकाल लिया है और ये इस तरह से बन चुका है। अब हम इसे साथ में यानी इसके पैर को इसे रखेंगे, इसे अलग नहीं होने देंगे और बाकी तमाम को भी हम अंदर से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से तमाम आलू को हमने अंदर से निकाल के कट करके रेडी कर लिया है। टोटल हमने 8 आलू लिया है और जो ये साइड का हिस्सा है जो अंदर का बचा हुआ था उसे हम इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे और इसे पानी में डिप कर देंगे, वरना ये ज़्यादा देर तक बाहर रह जाएगा तो कलर चेंज होने लगता है। देखिए इस तरह से हमने इसे छोटा छोटा कट कर लिया और पानी में डिप करके इसे रख दिया है। थोड़ी देर में हम इसे वॉश कर लेंगे, जब तक हम सूखा मसाला तैयार कर लेते हैं। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून यानी कि 1/2 टेबल स्पून हम डाल देंगे ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। अब इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, ये ज़्यादा डार्क ना हो, सिर्फ कलर चेंज हो और स्मेल आनी शुरू हो जाए, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। हमने प्रेशर कुकर में तेल को गर्म कर लिया है, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। देखिए हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, उसे बारीक कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से कुक करेंगे
कि प्याज गोल्डन कलर की हो जाए, लाइट गोल्डन और नरम हो जाए तब तक। फ्रेंड्स, अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और इससे चला लेंगे 3 से 4 बार, मतलब कि जिसकी स्मेल है वो उड़ जाए, अच्छे से भून जाए ये। फिर हम इसमें डाल देंगे ये जो कट करके हमने आलू रखा था, इसे हमने डाल देना है अब इसमें। और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू को डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कट किया हुआ टमाटर, ये एक मीडियम साइज का टमाटर था, हमने इसे कट कर लिया है बारीक। अब इसे ही मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे, जो हमने मसाला बना के तैयार किया था रोस्ट करके वो डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच खटाई हम इसमें डाल देंगे, आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। इसे लीड लगाकर हम रख देंगे। जब सीटी हो जाएगी तो फिर 5 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और 3 मिनट बाद, 3 से 5 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हम लेड हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा पानी है, उसे हम हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेते हैं। और जब तक ये पानी ड्राई होता है हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मसाला रेडी हो चुका है, एक्स्ट्रा पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। और जब तेल अलग होने लगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। पूरे प्रेशर कुकर को हम खाली कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमने सारे मसालों को प्लेट में निकाल लिया और ये खाली हो चुका है। इसे हम यूँ ही रहने देंगे, वॉश नहीं करेंगे। अब हमने सारे पोटैटोस को, आलू को जो हमने इसे कट करके रखा था, अब हम इसे फिल कर देंगे। देखिए, दोनों साइड को हमने ऐसे भर लिया है। अब इसे इस तरीके से बंद करके हम रख देंगे। अब इसी तरह से हम पूरे को लगा लेते हैं, फिलिंग ऐसे रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तमाम आलूओं को फिल करके रेडी कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें पहले नीचे थोड़ा सा तेल डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून और उसे इस तरह से हिला लेंगे। और इसे अब हम इस तरीके से डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 6 से 7 चम्मच पानी इसमें डाल देंगे और लिड लगा देंगे इस पर। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, जब सीटी भर जाएगी तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 सीटी हो जाने पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में।
देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से थोड़े मसालों को डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स बारीक कट की हुई और हरी मिर्चों को हमने कट करके ऊपर से डाल दिया। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक ज़ाया किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।